उपमुख्यमंत्री ने शटल बस सेवा, कैशलेस टिकटिंग प्रणाली और ऑनलाइन बस पास सुविधा का किया शुभारंभ। एचआरटीसी कर्मियों के लिए की 4% डीए की घोषणा। सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी में सांसद निधि के तहत 27.50 लाख रुपए की राशि की जारी। वहीं कुल्लू के नगर व गोजरा में विभिन्न रास्तों के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए भी किए स्वीकृत। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल 8 मार्च को रहेंगे सोलन के दौरे पर। ग्राम पंचायत कोट में बहुउद्देशीय मैदान की रखेंगे आधारशिला। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप में डाउन रिवर व स्लालोम रेस का आयोजन। डाउन रिवर रेस की दूरी 3 किलोमीटर की गई निर्धारित, वहीं स्लालोम रेस को 2 चरणों में किया गया आयोजित। सिरमौर के नाहन में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी LR वर्मा ने कहा, आज की महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रही कार्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किन्नौर के रिकांगपियो में जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया आयोजित। उपायुक्त किन्नौर अमित कुमार शर्मा ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की रहती है अहम भूमिका। प्रदेश में आज से करवट बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 मार्च को मौसम साफ रहने के आसार।